Lively Weekends, Lively Weekends, जो भी खाए कहता जाए, Lively Weekends, प्यार बढ़ाए, Lively Weekends, Lively Weekends. Assalamualaikum and good morning everyone. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारे शो का. एक्चुअली हमारे शो के जो फॉर्मेट है वो शुरू से इसी तरह से रहा है कि हम नए नए लोगों को मौका देते हैं और जो नया टैलेंट है वो यहाँ आए और अपनी कुछ ख़ास रेसिपी सिखाए. अब इन नए लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ्स भी आ चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जो घरों से अपना बिजनेस कर रहे हैं, केटरिंग कर रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं. होटल्स के शेफ्स यहाँ पर आ चुके हैं. आज भी जो हमारी गेस्ट हैं इनका ताल्लुक कुकिंग से है और इन्होंने भी अपना डिप्लोमा जो भी पढ़ाई करनी थी कल्नरी की वो लेके उन्होंने बेकिंग की तरफ इनका ज़्यादा रुझान और सिखा भी रही हैं. प्लस घर से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे वही फेसबुक और यूट्यूब और इस तरह से जो होता है, तो ये ऑर्डर्स वगैरह भी लेती है. कस्टमाइज केक अगर आप इंटरेस्टेड हैं बनवाने में तो आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं. बाकी मज़ीद हम ज़रा इनसे बातचीत करेंगे. फ़र्स्ट शो है इनका, पहली मरतबा कैमरे को फेस कर रही हैं. पहला वैसे भी थोड़ा सा इंसान नर्वस होता है, लेकिन मैं दाद ज़रूर दूंगी, उनको अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने हिम्मत की एटलीस्ट और हमें ईमेल किया और ये हमारे शो पर आई हैं. मैं जानती हूँ बहुत सारी ऐसी घरेलू ख़वातीन हैं जो अभी भी बस सोच ही रही हैं कि यार इनसे अच्छा तो हम बना लें. हाँ तो फिर आप आइए ना, बस हिम्मत नहीं है उनमें. बनाना भी चाहती हैं, सिखाना भी चाहती हैं, आना भी चाहती हैं, वो हिम्मत कहाँ से लेकर आएँ. तो कुछ ना कुछ आपकी हिम्मत को हम बढ़ाने के लिए बातें भी करेंगे ताकि आप में वो जोश पैदा हो. आइए ज़रा वेलकम करते हैं आसमा को आज लाइवली वीकेंड्स में. अस्सलाम वालेकुम आसमा, क्या हाल चाल है, तशरीफ़ रखिए. अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स. एक्साइटेड हो, पहला शो है, नर्वस भी हूं, एक्साइटेड. अब आप आपका जो टैलेंट है वो सब देखेंगे जी, जो लाइवली वीकेंड्स देखते हैं. तो आसमा थोड़ा तो अपने बारे में बताओ कि क्या किया आपने स्किल्स वैली से, आपने अपना डिप्लोमा किया क्या. जी मैंने 6 मंथ का कोर्स किया अच्छा. था पेस्ट्री आर्ट में. अच्छा. फिर उसके बाद मैंने वहीं पे ही 1 ईयर जॉब की थी, फिर मैंने अपना स्टडी ब्रेक ले लिया था. अच्छा. तो फिर मुझे अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी थी तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ के अच्छा. मैंने अभी मैं कर रही हूँ बैचलर्स इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन. अच्छा, फील्ड भी यही है, सब्जेक्ट भी यही है. मुझे शुरू से इसी फील्ड में एक होता है ना, बचपन से आपको हाँ. एक ही फील्ड, आपका माइंड सेट होता है. तो मेरा शुरू से एक माइंड सेट था कि मुझे कुछ ऐसा सबसे अलग करना है. अच्छा. मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, इन सबसे हटके कुछ करना. घर वालों ने ब्रेन वॉश नहीं किया कि नहीं मेरे नहीं. ये अल्हम्दुलिल्लाह हाँ. एक मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी बात है. घर वालों ने कभी भी मेरी बहन भाई को भी कभी भी ये नहीं बोला जो करना है आप करो, मतलब बिल्कुल फ्रीडम है बस. तो कुकिंग का शौक कहाँ से आ गया आसमा? मेरी मदर से. मेरी मदर मतलब बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो उनके साथ मैं किचन में होती थी. तो जब भी किचन में होती थी तो कुछ ना कुछ खराब करके बाहर निकलती थी किचन से. सही है, मतलब था शौक. था शौक, शुरू से ही शौक था. फिर मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने सीखा. वैसे तो मुझे कुकिंग का था पर मैंने बोला कुकिंग तो हर कोई कर लेता है, नॉर्मली तो कर लेता है. मैंने कहा कुछ इसी चीज़ में कुछ हट के, तो फिर मैंने बेकिंग की तरफ गई. बेकिंग में कस्टमाइज केक जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे, तो मैं इसी में ही. जैसे लोग अपनी तस्वीरें देते हैं या बोलते हैं कि हमें ये कोई भी थीम चाहिए. जी कोई भी थीम. अच्छा. जैसे बच्चों की बर्थडे होती है हाँ. तो कोई एल्सा का थीम, जंगल किंग. अच्छा, ठीक है. थीम तो वो नेट में से ढूंढ के कहीं से भी मुझे देते हैं, तो फिर बिल्कुल वैसा बना के. और मैं फोंडेंट वगैरह फोंडेंट भी, क्रीम केक भी, वैसे ज़्यादातर फोंडेंट में ही कस्टमाइज अच्छा लगता है. तो वो फिनिश वैसे मेरे ख्याल से फाउंडेंट जी में उसमें आती बहुत अच्छी आती अच्छा, है. अच्छा, तो ये सारा आपने किया. जी, और मेरा फिर मैंने उसके बाद पेज, अपना पेज भी रन कर रही हूँ साथ क्या, में. क्या है पेज का? वीकेंड बेक के नाम से फेसबुक पे भी है. वीकेंड बेक, वेक एंड बेक, वेक 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 एंड बेक बाय शेफ आसमा. मतलब उठो और बेक करो. वीकेंड बेक शुरू हो जाओ, उठते साथ ही. उठते ही शुरू हो जाओ बस. अच्छा, तो उसमें क्या मतलब ऑर्डर्स, केक वगैरह के ऑर्डर्स लेती हो क्या? ज्यादातर मैं केक्स वगैरह, हर केक्स और कपकेक्स के ही लेती हूँ. अच्छा. बाकी बीच में जैसे लॉकडाउन के टाइम पे बहुत अच्छा मेरा पीक टाइम रहा था क्योंकि उस वक्त बेकरीज वगैरह इतनी बंद हो गई थी, तो उस टाइम पे बहुत अच्छे ऑर्डर्स. तो उस वक्त पिज्जा वगैरह और कुकिंग की तरफ भी मैं पास्ता सेवरी आइटम्स जी, शुरू जी, वो भी. अच्छा, वेरी गुड.
वैसे अगर अस्मा को ऑर्डर देना हो तो आपके केक में ख़ास बात क्या है कि मतलब कस्टमाइज हर कोई बहुत सारे लोग हैं मतलब भरा हुआ है यूट्यूब या दूसरे फेसबुक वगैरह इतने आ गए हैं कोई प्राइसेस कम है जी, एक है रिजनेबल प्राइस है ऊपर से एक होते कस्टमर सर्विस के आपको कस्टमर को इस तरीके से करना है कि वो आपसे बनाए और मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। जो एक बार बना चुका है तो फिर वो फिर से भी मुझे ही ऑर्डर देते हैं अच्छा तो इस तरह से आपके फिर जी थ्रू कहते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ फैलती है बात तो फिर और यूट्यूब पे भी मतलब मुझे है शौक तो यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है क्या कुकिंग विद अस्मा उसमें आप कुकिंग करके वो वीडियोस डाले हैं आपने अच्छा अपनी मतलब अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं डाली है पर व्लॉग्स वगैरह या कुकिंग ज़्यादातर कुकिंग की मैं बनाती रहती हूँ तो चलो आज तो लाइव आ गए आप हम एक शो कर रही हैं आप एक चैनल पे हम क्या सीख रहे हैं अस्मा से आज आज हम सीखेंगे केक सीखे नॉर्मली जो हम केक तो स्पंज केक तो हम बनाते हैं पर हम कुछ वेरिएशन ला रहे कुकीज केक बना रहे चॉकलेट चिप्स कुकीज जो होती है उसी के डो से हम केक बना रहे हैं आपका फेमस आइटम है जी अच्छा ये बनाएंगे और बर्गर भी सब खाते हैं पिज्जा भी सब खाते हैं तो हमने उन दोनों को मिला के पिज्जा बर्गर बनाया पिज्जा बर्गर फ्लेवर वैसा आएगा खाएंगे बर्गर लेकिन पिज्जा वाला फ्लेवर आएगा और बाकी बना रही हूँ चना पूरी आलू ये कहाँ से सीखी रेसिपी ये मेरी मामा की स्पेशल रेसिपी है मामा भी आई हैं बाय द वे हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हम घसीट के ले आए वहाँ पर वो भी बहुत डरती है मामाज आर वेरी शाय वो वैसे ही बड़े कैमरा कॉन्शियस होती हैं अच्छा हम जरा चलते जो बेकिंग आपने करनी है अगर कुछ बीटिंग का काम है तो हम वो ब्रेक में कर लेंगे अच्छा हो जाएगा तो हम स्टार्ट करते हैं आपने कुकीज़ केक से ठीक है सबसे पहले हमने बटर लिया है ठीक है 120 ग्राम अच्छा। इसको बीट करूंगी मतलब ये रूम टेम्परेचर पे लेंगे जब भी हम बेकिंग करेंगे तो उसके लिए जो भी बटर वगैरह जो भी चीज़ यूज़ करेंगे तो वो हम रूम टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं ज़्यादा हार्ड नहीं जैसे अंडा भी है तो भी वो भी रूम टेम्परेचर पे क्योंकि उससे रिजल्ट अच्छा आता है हार्ड होता है तो वैसा रिजल्ट नहीं आता है फिर इसमें हम जब इसको अच्छे से फ्लफी कर लेंगे इसमें हम ब्राउन शुगर डालेंगे और कास्टिंग शुगर डालेंगे अच्छा सबसे पहले क्या बीट करोगी सबसे पहले बटर बीट करना आप शुरू कर दो और ये कितना ग्राम्स बताया आपने 120 ग्राम बटर 120 ग्राम्स रूम टेम्परेचर पे है टेम्परेचर एंड सॉल्टेड अनसॉल्टेड नहीं बेकिंग के लिए जब भी यूज करेंगे अनसॉल्टेड बटर ठीक है सही है अच्छा अगर ब्रेक आ रही है तो हम ब्रेक ले सकते हैं तब तक ये बीट करके रख लेते हैं हम ठीक है एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे सिर्फ बटर बीट करके रख रहे हैं अच्छे से बाकी चीज़ें जो मिक्स करेंगे आपके सामने करेंगे स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग लाइव न्यूज चॉकलेट चिप्स कुकीज़ केक अज्जा मक्खन 120 ग्राम ब्राउन शुगर एक तिहाई कप कास्टर्ड शुगर आधा कप अंडा एक अदद वनीला एसेंस एक चाय का चमचा मैदा डेढ़ कप नमक एक चौथाई चाय का चमचा बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा चॉकलेट चिप्स आधा कप चॉकलेट गनाश एक चौथाई कप टॉपिंग के अज्जा चॉकलेट चिप्स हंस पे ज़रूरत चॉकलेट चिप्स कुकीज केक अज्जा मक्खन 120 ग्राम ब्राउन शुगर एक तिहाई कप कास्टर्ड शुगर आधा कप अंडा एक अदद वनीला एसेंस एक चाय का चमचा मैदा डेढ़ कप नमक एक चौथाई चाय का चमचा बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा चॉकलेट चिप्स आधा कप चॉकलेट गनाश एक चौथाई कप टॉपिंग के अज्जा चॉकलेट चिप्स हंस पे ज़रूरत आजय जी वेलकम बैक लाइव वीकेंड्स में आज अस्मा हमारे साथ हैं और अस्मा जो है वो घर से ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हैं केक्स वगैरह के और दूसरी चीज़ों के भी आप इनका फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं वेक एंड बेक मुझे अच्छा लगा जागे और शुरू हो जाए बेक करना अच्छा जी हमने लिया ये बटर रूम टेम्परेचर बटर को हमने अच्छे से फ्लफी कर दिया इसके बाद हम ब्राउन शुगर और कास्टिंग शुगर लेंगे कास्टिंग शुगर की जगह आप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकती हैं ठीक है
मतलब बारीक शुगर होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा ठीक है जी। अच्छा ये कितनी कितनी लेनी है ब्राउन शुगर? ब्राउन शुगर 1/3 कप लिए, कस्टर्ड शुगर 1/2 कप लिए। अच्छा ठीक है। कैस्टर शुगर जो कहती है ना, जो पतली किसी भी होती है। ठीक है सही है। बटर और शुगर तो सारा बेकिंग करती रहती हो आसमान घर पे? नहीं, सारा टाइम पढ़ाई भी होती है और ऑर्डर्स वगैरह होते तो ही करती हूँ, बाकी घर पे तो बोल बोल के थक जाते हैं। मेरी बहन को बहुत पसंद है मीठा, तो वो हर वक्त बस मीठा 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 बनाओ मीठा। मैं ऑर्डर के लिए भी बनाती हूँ ना, तो वो मेरी चॉकलेट है बोलते थोड़ा सा दे दो थोड़ा सा दे दो, उसकी बहुत आदत है। उसे मीठा इतना पसंद है मीठा कि वो मीठा छोड़ती नहीं है। अच्छा है। और बाकी मुझे तो अब केक एक होता है ना बना बना के आपका दिल भर जाता है। अब मैं क्या खाना, अब केक खा के थक गया। अब मैं किसी की बर्थडे पे भी जाती हूँ ना, मैं बोलती हूँ केक नहीं खिलाओ, कुछ और खिला दो, केक ना खिलाओ। इसको हम और बीट करेंगे कि इसकी शुगर और ये बटर बिल्कुल अच्छा एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। सही है। अच्छा ये जो कैस्टर शुगर डाली इसको हम बिल्कुल ही पीस लें, पाउडर करके डालें? पाउडर करके भी डाल सकते हैं। अच्छा। ऐसे भी डाल सकते हैं। सही है जी। ठीक है। अगर ऐसे डालेंगे तो फिर बीट अच्छा करना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा। देर तक करना पड़ेगा। हाँ ये ना, क्योंकि शुगर को पूरा अच्छे से घोलना है। ठीक है। एक अंडा मुझे नज़र आ रहा है, एक ही अंडा डाले। इसमें ऑलमोस्ट 2 pounds का केक बन जाएगा। अच्छा ठीक है। तो कुकीज किधर है? कुकीज केक है तो कुकी, तो ये हम कुकी बना रहे हैं, कुकी का डो बनाएंगे। okay. और इससे हम केक, स्पंज वाला केक नहीं बनाएंगे। अच्छा इंटरेस्टिंग। समझे तो कुकीज डालेंगे केक में, ये कुकी बन रहा है। इससे हम कुकीज भी बना सकते हैं। अच्छा तो ये केक की तरह राइस करेगा जी। अच्छा और काटेंगे तो सख्त होएगा? नहीं, इसमें ये होगा कि सॉफ्ट सॉफ्ट होगा और इसके अच्छा। बीच में चॉकलेट की गनाश भी आएगी। ओके ओके। अच्छा गुड आइडिया। ठीक है, मजीद और करना जी, है बीट? थोड़ा सा और। ठीक है ना ऐसे। और कुकीज बनाए तो फिर वो हम फ्लैट ट्रे पे जो है, ट्रे पे थोड़ी सी रख के उसको हम प्रेस नहीं करेंगे, ऐसे ही रख देंगे तो वो खुद ही बेकिंग पाउडर होगा इसके अंदर और खुद ही वो राइज हो जाएगी। अच्छा। ये कहाँ से सीखी जब कोर्स करी? ये मैंने कुकीज़ की रेसिपी सीखी थी, फिर मैंने खुद ही नेट वगैरह यूट्यूब वगैरह से देख के अपनी वेरिएशन वगैरह। चलो जिसका जहाँ दिमाग चलता है फिर चलता है। जी वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। जैसे आज से 5 साल पहले या कुछ साल पहले हमने सोचा भी नहीं था कि पिज़्ज़ा फ्राइज भी आएंगे, पर अब आप देखें कितने मशहूर लोग इतने पसंद करें पिज़्ज़ा फ्राइज, मतलब इंसान का एक माइंड ही नहीं जा रहा था पिज़्ज़ा और फ्राइज एक साथ कॉम्बिनेशन। पिज़्ज़ा सैंडविच, तो पिज़्ज़ा सैंडविच, पिज़्ज़ा फ्राइज, पिज़्ज़ा बर्गर, मतलब ये वेरिएशन लाते जाते हैं, फिर टेस्ट पर भी डिपेंड होता है। और पिज़्ज़ा तो ये था कि गोल होता है, जब ये स्क्वायर और रेक्टेंगल शुरू हुए, ये कैसा पिज़्ज़ा कहाँ से कहाँ पहुँचा वो पिज़्ज़ा आजकल यही ना, रेस्टोरेंट वगैरह इतने ज़्यादा लोग वेरिएशन ला रहे हैं और सब इतना ज़्यादा हो रहा है कि सही। अच्छा अंडा किस स्टेज पर डालोगी? अंडा अभी ये बीट हो गया, अब मैं अंडा और वनीला एसेंस डालूंगी। ठीक है। हाँ तो क्योंकि वो अंडे के साथ भी थोड़ा और घुल जाएगी चीनी। 1 egg लेंगे इसमें और हम बिल्कुल 1/2 teaspoon तक वेनीला लेंगे। ठीक है। वेनीला इसलिए होता है कि जो अंडे का टेस्ट, जो स्मेल आती है ना, बस अच्छा। वो रिमूव हो जाए। ठीक है। हाँ सब बेकिंग में डलता ही है ना। जी ठीक है। बहुत बेसिक ये जो इंग्रेडिएंट है ना, काफ़ी बेसिक इंग्रेडिएंट से बहुत ईजीली बन जाएगा। बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं है? जी बेकिंग। ठीक है।
अब ये थोड़ा फ्लकी होना स्टार्ट हो गया अंडे के साथ ना। इसका कलर भी थोड़ा चेंज ब्राउनिश टाइप का आ जाएगा। ठीक है, मैदा कितना जाएगा इसमें? मैदा इसके अंदर 1.5 कप। 1.5 कप। अब ये आपके ऊपर है, आप केक बनाएं या कुकी बना लें। दोनों रेसिपी है, बस आपके ऊपर है कि आप केक बनाएं या कुकीज़ बनाएं। केक ये है कि कुछ न्यू हो जाएगा, कुकीज़ हाँ कुछ सर्विंग में डिफरेंट एक लुक देगा। अच्छा, चॉकलेट चिप्स भी डालेंगे इसमें। हमने सॉल्ट भी रखा हुआ है, वो भी डालोगे? जी। ठीक है, आपके पास घर में तो बेकिंग की सारे सामान सब मौजूद रहता होगा, खूब सारी मक्खन की टिक्कियाँ होती हैं। सारे मक्खन की टिक्कियाँ, मम्मी का पूरा मैंने बॉक्स, जहाँ भी वो अपने सामान रखती थी वहाँ मैंने अपना शुरू कर दिया। हाँ, वो स्टॉक पे चीज़ें हो ना कुछ ऑर्डर्स में, क्योंकि काफ़ी टाइम ही होता है लोग अर्जेंट ऑर्डर भी दे देते हैं कि हमें कल चाहिए, तो अगर पॉसिबल होता है तो फिर मैं ले लेती हूँ, वरना मैं फ्री ऑर्डर ही करती हूँ। इसे कितनी देर और बीट करना? बस ऑलमोस्ट हो गया। ये इसका कलर इस टाइप का हो जाए ना, ये बिल्कुल फ्लफी। हाँ, ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर भी बता देती हूँ, ये बिल्कुल है ना ऐसा कि गिरे ना। अच्छा, सही है, ठीक। इसका मतलब है ये हो गया। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट में मैंने ले लिया है फ्लावर, ले लिया है, ठीक है, 1.5 कप लिया है। हाँ, 1.5 कप। फिर मैं बिल्कुल कम चम्मच दूँ? जी, 1/4 स्पून मैं ये डालूँगी सॉल्ट। हाँ, फिर मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी। अच्छा जी, बेकिंग पाउडर कितना? बेकिंग पाउडर भी 1/4 या 1/2। अच्छा, क्वार्टर। जी, ठीक है। ये लेके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, जब भी हम ड्राई इंग्रेडिएंट डालते हैं ना, तो ऑलमोस्ट रेसिपीज में ये होता है कि हम ये इसको मिक्स नहीं करते, हम हाथ से फोल्ड करते हैं। ठीक है, तो आप भी फोल्डिंग करोगे? अच्छा, ठीक है, फिर बीटर नहीं चलेगा। अच्छा होता है जी, उससे क्या फर्क पड़ता है वैसे? अगर रिजल्ट अच्छा आता है बीटर से, ये कि एक इसकी हीट भी जाती है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा बीट हो जाता है, तो इसीलिए हाँ इस ऐसा करेंगे। और जब भी हम ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे ना, तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट एक बाउल में लेके मिक्स करेंगे, अलग अलग नहीं डालेंगे। सही है, ताकि वो एक जगह पे ना जमा रह जाए, क्योंकि काफ़ी ये होता है कि एक जगह फ्लावर आ गया, एक जगह बेकिंग पाउडर आ गया, और वो सही से फिर मिक्स नहीं होते, तो मैंने इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ठीक है, अब ये जो हमारा बना था बैटर, हमने इसके अंदर ये ड्राई इंग्रेडिएंट एक साथ कभी भी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ठीक है, कि अच्छे से फोल्ड हो जाए। सही, फोल्ड करते वक्त हमारी जो फोल्डिंग की जो पोजीशन होगी, या तो हम एक हाथ से, जैसे मैंने राइट किया तो मैं राइट से करूँगी, मैं लेफ्ट से स्टार्ट नहीं करूँगी, मैंने राइट किया तो मैं राइट से, क्योंकि फिर एक होता है कि वो चेंज आ जाता है ना, तो फिर वैसा नहीं होता कि एक आप ऊपर से कर रहे हो, एक नीचे से कर रहे हो, एक राइट से कर रहे हो, एक लेफ्ट से कर रहे हो, तो ये बिल्कुल हमारे पास ये डो रेडी हो जाएगा। सही है, तो आप बस इसको कर दो, क्लॉकवाइज घुमा रही हो, क्लॉकवाइज ही घुमाती रहना। हमारी एक ब्रेक आ रही है, या ऐसा ऐसा घुमा के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। जब रेडी होगा, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर बाकी चीज़ें सामने डालेंगे। अगर और मज़ीद इसमें कुछ जाना है? मज़ीद इसमें अभी कुछ, ये चॉकलेट चिप्स जाएगी। अच्छा, सिर्फ, और ये चॉकलेट सॉस तो नहीं जा रहा? नहीं, वो एंड में हम ड्रेसिंग के लिए। इसको सिर्फ बेक करना है? जी, ठीक है। ग्रीस किया हुआ है पैन हमने, हम इसको बेक करने भी रख देंगे। आपको टेम्परेचर बताते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। चॉकलेट चिप्स कुकीज़ केक, अजसा मक्खन 120 ग्राम, ब्राउन शुगर 1/2 कप, कास्टर्ड शुगर 1/2 कप, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, मैदा 1.5 कप, नमक 1/4 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, चॉकलेट चिप्स 1/2 कप, चॉकलेट गनाश 1/4 कप। टॉपिंग के अजसा, चॉकलेट चिप्स हसबे ज़रूरत। Lively weekends, प्यार बढ़ाए।
चॉकलेट चिप्स कुकीज केक, अज्जा मक्खन 120 ग्राम, ब्राउन शुगर 1/2 कप, कास्टर्ड शुगर 1/2 कप, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, मैदा 1.5 कप, नमक 1/4 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, चॉकलेट चिप्स 1/2 कप, चॉकलेट गनाश 1/4 कप। टॉपिंग के अज्जा, चॉकलेट चिप्स हस्बे ज़रूरत। आजय जी, और कुकी टाइप केक बन रहा है, मतलब कुकी का केक बन रहा है हम कह सकते हैं। अच्छा, ये डो को देख लें, हैंडल करना आसान नहीं है, ये नॉर्मल केक वाला डो नहीं है, ये थोड़ा सा टफ है, इसको चमचे से करना, बार बार चिपकता है। इसकी हम एक लेयर अभी लगाएंगे इस पर, ठीक है, फुल पतली सी लेयर। अच्छा, और आपने कहा है कि पैन को ग्रीस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम कुकीज़ वगैरह भी करते हैं ना, फ्लार या तो फ्लार डाल देते हैं या तो ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसको आप स्प्रेड करिए। दूसरा चमचा चाहिए जो थोड़ा सा स्टिफ हो, चेक करो अगर इससे हो। इससे सही है ना, हमने एक बिल्कुल थिन लेयर लगा देंगे। अच्छा अच्छा, चॉकलेट चिप कुकी, चॉकलेट चिप्स जो थे वो हमने ऐड कर दिए हैं बिल्कुल। फ्लावर को आहिस्ता आहिस्ता वो करके फोल्ड किया, अच्छे से जब मिक्स हो गया फिर हमने चॉकलेट चिप्स डाल दिए, ठीक है। तो बीच में कोई लेयर आप किसकी? जी, बीच में मैंने चॉकलेट गनाश की लेयर डाली है, आप न्यूटेला की या कोई भी चॉकलेट जो भी आपको पसंद हो, चॉकलेट सॉस, चॉकलेट स्प्रेड। सॉस तो हम ऊपर इसकी टॉपिंग करने के लिए यूज करेंगे, बाकी चॉकलेट स्प्रेड कोई भी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। मैंने घर पे खुद ही गनाश बनाया था। गनाश की रेसिपी ये होती है कि दोनों क्रीम, हैवी क्रीम और चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट एक ही रेशो में लेते हैं। मैंने 200-200 की, अच्छा, कुकिंग चॉकलेट, जी ठीक है, वो उसको डबल बॉयलर पे डबल बॉयलर, ठीक है, मेल्ट करके और मिक्स कर लिया, जी ठीक है। तो ये गनाश बन जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये लगा ली हमने एक लेयर, कितने मज़े का बनेगा जब ये बेक होगा तो, और ये जब कटिंग होगी तो इसके अंदर की चॉकलेट की जो लेयर वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, वो स्प्रेड कर लें हम बिल्कुल साइड से भी अच्छे से कर लेंगे। अच्छा, फिनिश आए थोड़ी, जी ठीक है। और ये हमेशा लूज पैन में बनेगा ताकि निकलने में इजीली निकल जाए। ये एक लेयर लगा ली, इसके बाद मैंने गनाश लगाया, ठीक है। गनाश जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, और ये कितनी देर बेक होगा? ये 25-30 मिनट, जब तक ब्राउन कलर पता चल जाएगा। 20-25 मिनट भी हो सकता है, मतलब 20-30 मिनट्स ऑलमोस्ट, ठीक है, ये बेक हो जाएगा। सही है, क्योंकि तब ये बाकी नॉर्मल केक की तरह सॉफ्ट नहीं होगा, थोड़ा सा कुकीज़ की तरह इसका टेस्ट होगा, ठीक है। ये बिल्कुल इसकी एक लेयर मैंने लगा दी गनाश की, सही है, इसीलिए मैं खामोश हूँ, कटिंग अच्छे से मिल जाएगी। इसके ऊपर मैं ये वापस केक की लगा रही हूँ, ये तो अब ये मैंने जैसे नीचे लगाया ना, मैं वैसे ही इस पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस पे लगाऊंगी तो ये जो चॉकलेट मैंने ये हट जाएगा। फिर तो मैं क्या करूँगी, मैंने पहले थोड़ा सा हाथ में ले लिया, तो मैंने ऐसे बीच में रख दिया। अच्छा। बाकी छोटे छोटे मैंने इसके बना के इसको बाकी साइड पे करके, और फिर मैं हाथों से ही कर लूँगी, ताकि सॉफ्ट हैंड से होगा तो फिर वो बिल्कुल परफेक्ट इसके ऊपर लेयर आ जाएगा। कि स्पैचुला से करूँगी तो ये होगा, इसी को ही प्रेस कर दूँगी तो वो फैल जाएगा, प्रेस करके पूरी इसकी लेयर आ जाएगी, ठीक है, सही है जी। सही है जी, ये देखें पूरा हाथ से स्प्रेड कर दिया उसको, कर फिर दिया, और इसके ऊपर मैं चॉकलेट चिप से टॉपिंग कर, सही, और इसको हम बेक करने रख देंगे 180 डिग्रीज पे अराउंड 25-30 मिनट्स, वो हमें पता चल जाएगा कलर से, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी अगली रेसिपी, और वो है पिज्ज़ा बर्गर्स। अच्छा जी, पिज्ज़ा बर्गर्स, चीज़ें तो सारी पिज्ज़ा वाली हैं, बस बंस हैं और चिकन।
सही टेम्परेचर जी ठीक है। अच्छा जी आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे और ये है बर्गर पिज्ज़ा बर्गर्स। इसके लिए क्या है चिकन फिले आपने पूरा हैमर किया हुआ है। फिले मैंने हैमर किया हुआ है ठीक है। इसको मैं मैरिनेट करूँगी साथ साथ कर लो मैरिनेट। हाँ मैं आपको ये दे देती हूँ चमचा अगर चाहिए मैरिनेट करने के लिए। बॉल सही है ये लो मैरिनेट करने के लिए चिकन हमने ले ली ठीक है। बिल्कुल फ्लैट किया हुआ जी बिल्कुल फ्लैट जितना फ्लैट होगा तो बहुत जूसी और अच्छा टेस्ट आएगा ठीक है। फिर इसके बाद मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट ठीक है। ये मैंने टिक्का मसाला लिया है ठीक है। मैं जितना ये टेस्ट पे डिपेंड करता है अगर आप ज़्यादा मसाला पसंद करते तो इसे ज़्यादा डाल सकते हैं कम पसंद करते तो कम ठीक है। लेमन जूस और योगर्ट। अच्छा अच्छा इसका ये है कि ये 1 आवर के लिए आप मैरिनेट भी करके रख सकते हैं ठीक है। और अगर आपको मैरिनेट नहीं करना है बहुत आपको जल्दी बनाना है अच्छा। तो फिर आप फौरन इसे बना भी सकते हैं उसी वक्त आप कर सकते हैं ठीक है। ये एज इट इज़ फिले ही लगेंगे बर्गर बंस में जी। अच्छा ग्लव्स चाहिए ठीक है। अच्छा और ये पिज्ज़ा सॉस आपकी बनी बनाई है रेडीमेड सॉस रेडीमेड ठीक है रेडीमेड बनी बनाई मिलती है वरना तो अब तो आप लोगों को आ भी गई होगी पिज्ज़ा सॉस कैसे बनाते हैं। बहुत आसान है बहुत इजी। पहले तो ये होता था कि टमाटर को बॉईल करें ये करें अभी तो बहुत इजी और बहुत जल्दी पेस्ट का बन जाता है। अच्छा जी टिक्का मसाला गया है और दही गया है अदरक लहसुन और लेमन जूस। ये इसकी मैरिनेशन और इसको ग्रिल करोगी क्या करोगी। ग्रिल करूँगी ठीक है। मैं ग्रिल पैन रख देती हूँ ताकि हमने ग्रिल करना है तो हम ग्रिल भी कर लेंगे। अच्छा दूसरी तरफ ना यहाँ पर सिंपल आपके पास ये जो पूरी का वो है मैदा ये हम गूंद के रख लेते हैं। इसमें कुछ खास चीज़ है नहीं नमक है और मैदा है बस सिंपल। तो ये भी ब्रेक में गूंद के रख लेना कोई खास इंग्रेडिएंट और कुछ नहीं कुछ भी नहीं पानी से नॉर्मल पानी से गूंदना है। कोई ऑयल टैप वाटर ऑयल डालेंगे एंड में थोड़ा सा ठीक है बाकी नॉर्मल जो टैप वाटर होगा उसी ठीक है सही है। ये मैरिनेट करके रखते हैं मैरिनेट हो जाएगा गूंद के रखते हैं फिर हम वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ ही रहिए मज़ेदार से ये चने और आलू के साथ पूरियां हम बना रहे हैं और वो फिर हम ट्राई करेंगे कि कैसी हैं। एक ब्रेक स्पाइसी पिज्ज़ा बर्गर मैरिनेट करने के अज्जा चिकन फिले आधा किलो दही 4 से 5 खाने के चमचे नींबू का रस 1 अदद चिकन टिक्का मसाला 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा तेल 1 से 2 चाय के चमचे दीगर अज्जा बर्गर बन 3 से 4 अदद पिज्ज़ा सॉस हसपे ज़रूरत चाटे चीज़ हसपे ज़रूरत मोज़रेला चीज़ हसपे ज़रूरत कटी प्याज हसपे ज़रूरत कटे टमाटर हसपे ज़रूरत काले जैतून हसपे ज़रूरत ड्राइड ओरिगानो छिड़कने के लिए कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए टॉपिंग के अज्जा मोज़रेला चीज़ हसपे ज़रूरत चाटे चीज़ हसपे ज़रूरत काले जैतून हसपे ज़रूरत ड्राइड ओरिगानो छिड़कने के लिए कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए। स्पाइसी पिज्ज़ा बर्गर मैरिनेट करने के अज्जा चिकन फिले आधा किलो दही 4 से 5 खाने के चमचे नींबू का रस 1 अदद चिकन टिक्का मसाला 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा तेल 1 से 2 चाय के चमचे दीगर अज्जा बर्गर बन 3 से 4 अदद पिज्ज़ा सॉस हसपे ज़रूरत चाटे चीज़ हसपे ज़रूरत मोज़रेला चीज़ हसपे ज़रूरत कटी प्याज हसपे ज़रूरत कटे टमाटर हसपे ज़रूरत काले जैतून हसपे ज़रूरत ड्राइड ओरिगानो छिड़कने के लिए कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए टॉपिंग के अज्जा मोज़रेला चीज़ हसपे ज़रूरत चाटे चीज़ हसपे ज़रूरत काले जैतून हसपे ज़रूरत ड्राइड ओरिगानो छिड़कने के लिए कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए। आ
आ जाएं जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर देख लें ये चिकन हम जो बना रहे हैं वो बर्गर पिज्ज़ा शुरू कर दिए हैं हमने बेक होने के लिए। अभी तक वो जो बिस्किट कह रही हूँ कुकी केक बन रहा है वो बेक हो रहा है। अच्छा, ये चिकन को मैरिनेट किया था आपने, टिक्का मसाला, नमक, अदरक लहसुन पेस्ट, दही और लेमन। और फिर इसके बाद हमने चिकन को ग्रिल कर दिया। ग्रिल करते वक्त हम देखेंगे लेमन जूस डाला था। ठीक है, सही है। और बंस भी हमने सेक के रख लिए हैं, ग्रिल करके रख दिए। अब हम जैसे पिज़्ज़ा की टॉपिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसकी भी टॉपिंग बिल्कुल वैसे ही होगी। अच्छा जी, ठीक। तो ये चिकन फिले जो है ये ऊपर आएगा या नीचे बेस पर आएगा? बेस पर आएगा। अच्छा, ऊपर जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग होती है वो आती है। अगर आपको चिकन फिले नहीं लेना है तो आप चिकन क्यूब्स, जो छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, आप उसका भी कट सकते हैं। अच्छा, सही है। थिन स्लाइस है तो हाँ, ठीक है। अच्छा, और आटा हमने गूंद के रख लिया है पूरियों के लिए। यहाँ पर आपके चना और आलू मिक्स बना रही है आसमा, है ना? जी, मिक्स अलग भी बना सकते हैं, मिक्स भी बना सकते हैं। अच्छा, ये आपकी मर्जी है, मैं दोनों साथ बना रही हूँ। ठीक है, आलू बॉईल किए हैं? आलू बॉईल है और चने भी बॉईल है दोनों। सही है। और ये मम्मा से सीखी रेसिपी, मम्मा की स्पेशल रेसिपी। हाँ, ये खट्टे आलू होते ना, हाँ, उस टाइप के होगी, खट्टी मीठी सी रेसिपी। इसमें मामा आई नहीं है, मामा कोई बुला लेते उनसे कहते हैं बनाए अपनी रेसिपी, क्यों है, क्या ख्याल है? हाँ, वो बहुत, इनको जरा माइक शाइक लगवाएं इनकी अम्मी को हम इनको बुलाते हैं, बल्कि इनसे रेसिपी बनवाते हैं, इनका भी ट्रायल हो जाएगा, आज ऑडिशन हो जाएगा। थोड़ा कैमरा फोबिक है, नहीं आते कैमरा, होती है, मतलब मम्मी को मैंने इतनी बार बोला, वरना सबसे अच्छी कुकिंग उन्हीं की होती है। हाँ, और क्या, इतने अच्छे खाने बनाती हैं हर किसी की माँ। मैं अपनी माँ को बुलाना चाहती हूँ अपने शो पर, इतनी बार कहा नहीं, कहा मम्मी आपकी दोस्तों को बुला लूँगी साथ में, ताकि थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाए, गॉसिप भी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा, घबरा जाएंगी वो। ये हमने ग्रिल कर दिया, अब इसकी टॉपिंग जो होगी ना, बिल्कुल जिस तरीके से हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग करते हैं उसी तरीके से होगी। सबसे पहले मैंने बन, हाँ, एक सिर्फ दिखा दूंगी ना तो हमें आइडिया हो जाएगा। इसमें मैंने सॉस लगा लिया, सॉस ये मैंने रेडीमेड यूज़ किया है। ठीक है, पिज़्ज़ा सॉस। नॉर्मल केचप भी डाल सकते हैं, पर पिज़्ज़ा का नाम दे दिया ना तो पिज़्ज़ा सॉस अच्छा लगेगा। वो केचप में चिली गार्लिक सॉस में या फिर उसे ओरिगानो डाल दें, थाइम और ये सब डाल दें, फ्लेवर डाल दें, बन जाएगी पिज़्ज़ा सॉस। फिर प्याज ब्राउन कर लें, हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद ये मोज़रेला और चैटर चीज़ दोनों मिक्स है। अच्छा, ये डाल दिया। सही है। अच्छा, ये बेक होंगे। ठीक है, ताकि इसकी चीज़ मेल्ट हो। ओपन रख कर ही बेक करोगी ना? जी, ठीक है। ओपन नहीं, क्लोज। इसके ऊपर भी टॉपिंग होगी। अच्छा, पूरा ऊपर भी। हाय अल्लाह, कहाँ खाया था तुमने ये? खाया, ये मैंने कहीं खाया नहीं, ये मैंने खुद खिलाया। अंदर भी और अंदर भी ऊपर भी, ये बहुत जब टेस्ट होगा, जब खाएंगे ना तो मेरे कजन्स तो बहुत मज़े से खाते हैं मेरी ये रेसिपी। फिर इसके बाद जो हमने ये टोमेटो के छोटे छोटे पीसेस, हम जो भी वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ करेंगे उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस काटेंगे। सही है। अनियन भी ले लेंगे। ठीक है, शिमला मिर्च, जो भी वेजिटेबल आप, बिल्कुल छोटे, इसलिए क्योंकि वो इतना मुंह में आते भी नहीं, और फौरन उसका टेस्ट जो होता है ना, चले बड़े होते हैं ना, पसंद नहीं करते हैं लोग इतना, उसको हैंडल करना ही इतना मुश्किल हो जाएगा, वो पूरा एक पहाड़ बन रहा है, और फिर बन रख के फिर आप बनाओगी पहाड़, ये बहुत अच्छा। फिर इसके अंदर मैंने ऑलिव भी डालेंगे हम। ठीक है, रेड चिली फ्लेक्स। ठीक है, ये सब इसकी कोई एक रेसिपी, मतलब ये नहीं कि इतना ही रिक्वायर्ड है। हाँ, वो तो सब अंदाजे से, सब आपके अंदाजे से, ओरिगानो, ड्राई ओरिगानो। ठीक है, और इसको कवर करके फिर यही चीज़ रिपीट करो। फिर यही चीज़ रिपीट करो, इसको तो यहाँ से प्लेट से अवन तक पहुँचाना, फिर अवन से फिर तो जुड़ जाएगा वो, जब मेल्ट होगी चीज़। इसके बीच में लगेगी ना, ठीक है, तू स्टिक्स है उससे ये होगा, स्टिक्स दे दें। हाँ, स्टिक्स भी मंगवा लेती हूँ। ये बन गया हमारा पूरा। ठीक है, अब इसके ऊपर जो चीज़ें डालनी है,
इसके ऊपर भी यही सब लगेगा पहले। चिकन चिकन डालोगे दोबारा? नहीं, चिकन चिकन सिर्फ अंदर है। ठीक, चिकन सिर्फ अंदर है। अच्छा, वो ऐसा एक इरेजर आता था बच्चों का है ना? नहीं, इरेजर नहीं, वो स्वीट, हाँ स्वीट नहीं, जेली 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 आती थी, बर्गर जेली, बर्गर जेली, मुझे वो शक्ल याद आ गई एकदम से, डबल डबल ना, उसी को देखकर तुम्हें कुछ आइडिया आया होगा। आइडिया मैं यही बोलती हूँ कि जो भी घर पे बनाते हैं वेरिएशन अपनी रेसिपी में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही चीज़ खा खा के बोर भी हो जाते तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप वेरिएशन लाएंगे ना उतना आपकी रेसिपी, और लोग एक होता है ना, लोग भी बोलते हैं वाह ये तो बहुत यूनिक चीज़ हमने खाई है, मतलब देखो ना देखने में कितना अच्छा लगेगा। और है सिंपल, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं ना बिल्कुल वैसी रेसिपी, वही पिज़्ज़ा सॉस है और वही सब कुछ है। ये लो टूथपिक, अगर तुमको लगाना है। सही है, एक तो हमने दिखा दिया ना, बाकी हम ब्रेक में तैयार करेंगे और ये बेक होगा, सिर्फ इसमें कलर और चीज़ मेल्ट होएगी, बाकी तो सब चीज़ें कुकी हैं। ठीक है, हाँ अच्छा, केक चेक कर लेना। हो रहा है, अभी अभी कलर नहीं आया, अभी टाइम है, मज़े का लग रहा है वो कुकी, ट्राई करेंगे। वेरी नाइस, ये अवन ट्रे में अभी मंगवाऊंगी ना, फिर उसमें ही सेट कर लेना। आ जाओ ये रेसिपी पर, चने के उस पर आ जाते हैं, जब तक इसको यहाँ रखे रहते हैं। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, इसके लिए हमें सबसे पहले चने चाहिए होंगे, आलू चाहिए होंगे, ये हम बॉईल करके रख लेंगे। ठीक है, अब इसका मैंने पेस्ट बनाया, पेस्ट मैंने ऐसे बनाई, जो लाल मिर्च होती है इसे मैंने नीम गर्म पानी में पहले डाला था और इसके मैंने ऊपर से हटा दिया थे इसकी टॉप, और फिर मैंने इसको ग्राइंड किया था लहसुन के साथ और गार्लिक के साथ और ज़ीरा के साथ मैंने इसको और ये पेस्ट बन जाएगा। मेन जो इसका मजा है ना वो इस पेस्ट का है, और ये पेस्ट की रेसिपी मेरी मम्मा की है। अच्छा, इसको कुक नहीं किया? कुक नहीं किया, सिंपल वो मिर्चें हैं लंबी वाली, लहसुन है और जीरा है। हाँ ठीक है, और वो पेस्ट बना लिया, पेस्ट बना लिया, ऑयल कुछ भी नहीं डाला। ये भी बहुत बहुत इजी रेसिपी है। सही, अच्छा मुझे बताओ ये सही है पैन या इसे बड़ा चाहिए? सही है ये, सही। अच्छा हाँ, अभी अम्मी को बुला लेते हैं ना। इसमें अभी क्या कर रहे हैं हम? इसमें हम ऑयल डालेंगे। ठीक है, हाफ कप के करीब ऑयल डालेंगे। सही है, तो हमारी ब्रेक आ रही है अस्मा, ब्रेक ले ले। हाँ। ब्रेक से आने के बाद फिर हम ये स्टार्ट करते हैं, और फिर जब तक आप बीच में ये बनाने ये बना लो। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, आपकी मुलाकात करवाते हैं अस्मा की अम्मी से, उनको कन्विंस करते हैं कि आ जाए और ये वाली रेसिपी वो ही स्टार्ट करें। एक ब्रेक। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए। स्पाइसी पिज्जा बर्गर मैरिनेट करने के अज्जा, चिकन फिले आधा किलो, दही 4-5 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 अदद, चिकन टिक्का मसाला 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, तेल 1-2 चाय के चमचे। दीगर अज्जा, बर्गर बन 3-4 अदद, पिज्ज़ा सॉस हसपे ज़रूरत, चाटे चीज़ हसपे ज़रूरत, मोज़रेला चीज़ हसपे ज़रूरत, कटी प्याज हसपे ज़रूरत, कटे टमाटर हसपे ज़रूरत, काले जैतून हसपे ज़रूरत, ड्राई ओरिगानो छिड़कने के लिए, कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए। टॉपिंग के अज्जा, मोज़रेला चीज़ हसपे ज़रूरत, चाटे चीज़ हसपे ज़रूरत, काले जैतून हसपे ज़रूरत, ड्राइड ओरिगानो छिड़कने के लिए, कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए। स्पाइसी पिज्ज़ा बर्गर मैरिनेट करने के अज्जा, चिकन फिले आधा किलो, दही 4-5 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 अदद, चिकन टिक्का मसाला 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, तेल 1-2 चाय के चमचे। दीगर अज्जा, बर्गर बन 3-4 अदद, पिज्ज़ा सॉस हसपे ज़रूरत, चाटे चीज़ हसपे ज़रूरत, मोज़रेला चीज़ हसपे ज़रूरत, कटी प्याज हसपे ज़रूरत, कटे टमाटर हसपे ज़रूरत, काले जैतून हसपे ज़रूरत, ड्राइड ओरिगानो छिड़कने के लिए, कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए। टॉपिंग के अज्जा, मोज़रेला चीज़ हसपे ज़रूरत, चाटे चीज़ हसपे ज़रूरत, काले जैतून हसपे ज़रूरत,
ड्राइड ओरिगानो छिड़कने के लिए, कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए। एक सेकंड के लिए आवन क्या खुला, जो खुशबू आई है, वो जो बेक हो रहा है अंदर कुकी केक, आहा हा। आइए जी, इससे पहले हम अगली रेसिपी पे बढ़ें, मैं आपकी मुलाकात रोजीना से करवा दूँ। रोजीना है आसमा की अम्मी और फाइनली वो आ गई हैं, थैंक यू सो मच, वरना तो आप वहाँ बैठ के बस हंसती रहती और शर्माती रहती। इनको मैंने कहा भाई पूरियाँ तो आप ही ने बनानी है, आना तो पड़ेगा ही। रोजीना क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह। कैसा काम कर रही हैं? अच्छा। अम्मी भी वही कह रही है जो चीज़ मैंने नोट की, ये स्लो है थोड़ा, हाँ, थोड़ा काम करने में स्लो। उसको परवाह नहीं है कि शो कितनी देर तक चलेगा, बस मैं अपना काम सुकून से करूंगी। जल्दी जल्दी में अक्सर ये होता है खराब हो जाता है काम, तो मैं बोलती हूँ भले आराम से, थोड़ा टाइम ज्यादा लगे पर परफेक्ट और अच्छा हो। आराम आराम से वो सब्जियां भी सजाई, बात नहीं, हम है ना जल्दी करवाने के लिए। अच्छा रोजीना जी, आपसे गपशप लगेगी, मैं जरा रेसिपी की तरफ जाती हूँ। बन आप ही की रेसिपी रही है ना, आसमा बना रही है अम्मी की रेसिपी। अच्छा ये देख लीजिए, ये सिर्फ बेक होगा, कलर जैसे ही कुकीज़ निकलेंगी इसको हम बेक करके, वेरी नाइस, मैं टेस्ट करके ज़रूर बताऊंगी आपको। अच्छा जी, क्या क्या करना है अब? अच्छा इसके लिए मैं फिर से बता देती हूँ, एक बार फिर से बता दूँ। ठीक है, हाँ सही है, ये पेस्ट बना लिया, मेन इसका जो टेस्ट है ना वो इस पेस्ट का ही टेस्ट होगा। ठीक है, सिंपल लहसुन जीरा डालकर और ये और जो कश्मीरी पहले 5 मिनट पहले हम गरम पानी में रखेंगे ताकि ये नरम हो जाए और फिर ये अच्छे से ग्राइंड हो। ठीक है, सही है, अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। अच्छा ये लाल रंग के जो आप मुझसे कह रही थी ना, लाल बनेंगे चने, ये हमने ऑलमोस्ट 1/2 कप तक हम ऑयल ले लेंगे। ठीक है, आप बीच बीच में बोल सकती हैं कुछ भी गलत करें ना, ये सही। ये थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें करी पत्ता अच्छा ऐड करेंगे। ठीक है, ये कब कब बनती है? अच्छा ये करी पत्ते की ये स्पेशलिटी है कि ये घर पे ही, मेरे घर पे ही प्लांट का ही है। हम लोग जो हमने बीच में मिर्चियाँ भी मिर्चियों का भी किया था, मेरी मम्मा को बहुत शौक है कि घर पे ही खुद ओरिजिनल चीज़ों का। अच्छा अरे अच्छी बात है ना, तो हमने किया था इसका और फिर बाजी ये घर की, और इसके जो घर की बनी हुई चीज़ होती है ना उसकी एक अलग ही टेस्ट भी पता चलता है, खुशबू और टेस्ट बहुत अलग आता है। बिल्कुल, आप खुद टेक केयर कर रहे होते हैं ना तो आपको पता है क्या चीज़ आप उसको खिला रहे हैं। ठीक है, करी पत्ता इसमें डाल देंगे। सही है, तो ये कब कब बनता है चना और आलू आप लोगों के घर में? कोई ख़ास दिन, छुट्टी वाले दिन, चांद रात वगैरह? चांद रात वैसे अच्छा मीठे इसके साथ खीर भी बनती है, पर खीर में खीर पूरी और लगता है, खीर पूरी और आलू ये पूरी रेसिपी होती है। अच्छा, कुछ मतलब कुछ अच्छा दिन होता है तो उसमें ये बनाते हैं। अच्छा पूरियाँ हमारे जैसे ज़्यादातर तो संडे के रोज़ हलवा पूरी, संडे के रोज़ हाँ हलवा पूरी का नाश्ता होता है। फिर इसके ये जैसे ही हो जाएगा इसके अंदर करी लीफ, तो फिर इसके अंदर मैं ये पेस्ट डाल दूँगी। अच्छा, ये कितनी मिर्चों का तकरीबन बनाया होगा? ये 6-7 मिर्चों का बनाया है। ठीक है, चमचा चाहिए वहाँ पर रखते हैं तो ये ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है ना, मैं देख रही हूँ सिर्फ मेन चटनी ही है। मेन इसका जो टेस्ट है ना चटनी और खट्टी मीठी होगी क्योंकि इसमें इमली भी जाएगी। अच्छा ठीक है, सिर्फ इमली और नमक ही है और कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत ईजी रहता है। अच्छा, 10 मिनट में तैयार हो जाना है? 10 मिनट में तैयार, 10 बाकी में मतलब सिर्फ आप आलू उबाल लें, चने आपके पास बॉइल्ड हो। अक्सर लोग है ना आलू चने जैसे घर में उबाल के रखते ही है ना, आलू तो कोई मेहमान आ गए, चने होते ही हैं, कोई मेहमान आ गए ये आ गए तो आप फौरन बना के दे। आप लोग कहाँ के रहने वाले? करीमाबाद। नहीं मतलब ऐसे कहाँ से ताल्लुक है, गुजराती हैं कहाँ? नहीं हम लोग आगा खानी है। अच्छा, लेकिन घर में उर्दू स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग है। अच्छी खुशबू आ रही है अस्मा, इसको जितना मसाला भुनेंगे ना इतनी कितनी देर तक भुनाई करें? 5 मिनट तक तो करते हैं जब तक ऑयल ऊपर ना जाए। अच्छा ठीक, अब वो खुशबू एक आने लगेगी उसकी। सही, और ये तीखा भी नहीं होता, बच्चे भी खा सकते हैं। हाँ ज़्यादा मिर्चें नहीं होंगी? नहीं, और अगर बिल्कुल फीका खाना हो ना जैसे छोटे बच्चे होते तो जैसे लाल बड़ी मिर्चें हैं उसके अंदर बीज होते हैं ना वो आप निकाल लें। अच्छा, तो आराम से खा सकते हैं, कलर पर मत जाइए। नहीं कलर से इतना होते ही होगा।
सही है, अच्छी रेसिपीज हैं अस्मा आज जी आपकी, अच्छी है, बर्गर्स भी अच्छे हैं और वो कुकी केक भी जब होगा मज़ेदार। देखो तुम्हारे हो गए, घंटी बज गई, छिल्ला सिलो कर दी, हाँ चेक करो और थोड़ा ऑनर जी, थोड़ा सा बस और कलर होता रहे, हाँ होता रहे, 5 मिनट के बाद। आपको मीठा बहुत पसंद है, बहुत मीठा आप खाती हैं? बहुत खाती हूँ जातक है, अब वो मुझे नहीं पता कहाँ नहीं, वाकई में बहुत लकी लोग लगते हैं मुझे ये जो खाते हैं और ये पुट ऑन कर लेती होगी वजन है ना अस्मा का बढ़ जाता। अच्छा बाय द वे हमने पूरियाँ जो बनानी है वो यहीं पर ही, अगली ब्रेक एक ब्रेक और है ना हमारे पास, हाँ तो फिर हम अगली ब्रेक में पूरियाँ आराम से करेंगे। सही हो गया। अस्मा कैसा लग रहा है ये शो करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत सपोर्ट कर रही हैं और बहुत अच्छे, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि फर्स्ट टाइम मिली हूँ या फर्स्ट टाइम शो कर रही हूँ, बहुत अच्छा अच्छा डिसीजन था आपका जी। शुरू शुरू में लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, चलो अच्छा है ना कि ये आ गई। और बाकी दो और हैं बच्चे आपके? जी अच्छा। एक बेटा है और एक इससे बड़ी बेटी। अच्छा तो कुकिंग का शौक इसमें आया है? वो तो बैंक में जॉब किसी में भी, मेरे भाई में है, बाकी बहन में तो बिल्कुल भी नहीं। इसके भाई ने भी सीखा हुआ है। अच्छा भी कुकिंग भी। अच्छा वेरी गुड। तो वो क्या करते हैं? पढ़ाई पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? अभी IOBM में कर रहे हैं, मैनेजमेंट लॉ कर रहे हैं और साथ में ACCA। अच्छा और ये कुकिंग का भी किया उसने? जी छुट्टियों में किया था। अभी जैसे लॉकडाउन था ना। हाँ, और मेरी बहन को सिर्फ पढ़ाई, उसने अभी MBA कर लिया, अभी इंशाल्लाह वो डबल मास्टर्स के लिए अप्लाई करेगी इंशाल्लाह, उसको सिर्फ पढ़ाई का शौक। बच्चों को पढ़ाई का मतलब पढ़ाई और जॉब, वो घर के काम वगैरह नहीं, उसको सिर्फ पढ़ाई का शौक है। अच्छा ये हो गया, अब इसमें हम आलू और ये नमक भी डाल देंगे। ठीक है, पहले आलू और डाल फिर नमक। पहले आलू डालो, मम्मा कह रही है मसाला चल जाएगा। हाँ चना आलू और अच्छा इसे हम चने को अलग या आलू को अलग भी बना सकते हैं, अगर आपको सिर्फ लाल आलू खाने तो आप वो भी कर सकते हैं। मिक्स ही सही है, मिक्स आसान है, मिक्स एक ही में। काफी लोग होते हैं ना मिक्स नहीं खाते, कोई आलू नहीं खाते, जैसे हम लोग घर में बनाते तो अलग अलग। अच्छा अलग अलग रेसिपी यही होती है? यही लाल मिर्च इसी तरह बनता है। अच्छा हाँ मसाला भून के फिर दो जगह कर दो, आलू अलग और चना अलग। पहले आधा मसाला इसमें डाल के चने बना लेते, फिर दूसरे में आधा अच्छा। मसाला। कलर भी अच्छा है, रेड मिर्चों का, और सिर्फ इमली का पेस्ट जाएगा। इमली का पेस्ट, नमक डालूंगी और फिर सिर्फ इमली का पेस्ट। ठीक है जी, ब्रेक भी आ गई है हमारी, नहीं डालना है नमक और इमली का पेस्ट डाल दो सामने, फिर हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से आएंगे तो फिर पूरियां बनाते हैं। नमक मैं ऑलमोस्ट हाफ टी डाल दूंगी। ठीक है, क्योंकि नमक फिर कम इमली का पेस्ट भी डाल दूंगी। इमली का पेस्ट ये होगा कि जब तक इसका पानी नहीं छूटेगा हम तब तक इसको हम बिल्कुल हल्की सी हल्का सा हम इसको हल्की फ्लेम पे रख के ठीक है इसको कुक करेंगे। सही है, ठीक तो है। ये इमली के बाद खट्टा पहले तेज हो गया फिर मीठा हो गया, तो खट्टे मीठे आलू भी बोल सकते हैं। टेस्ट करके बताती हूँ, पूरियाँ बनेंगी ना फिर असल पता चलेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हो सकता है कि हमारा ये जो कुकी केक है वो भी तैयार हो जाए, उसको भी निकालते हैं और बंस जो हैं बर्गर्स के पिज्ज़ा वो रखते हैं मेल्ट होने के लिए चीज़। इस ब्रेक में स्टे विद अस। चने पूरी आलू अज्जा उबले आलू 3-4 अदद, उबले सफ़ेद चने 125 ग्राम, तेल आधा कप, कड़ी पत्ते 12 अदद, लाल मिर्च 5-6 अदद, लहसुन 8-10 चवे, इमली आधा कप, जीरा 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 गच्ची, नमक 1 खाने का चमचा, पूरी के अज्जा, मैदा 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए। Lively
चने पूरी आलू अज्जा उबले आलू 3 से 4 आदत उबले सफेद चने 125 ग्राम तेल आधा कप कड़ी पत्ते 12 आदत लाल मिर्च 5 से 6 आदत लहसुन 8 से 10 चवे इमली आधा कप जीरा 1 खाने का चमचा हरा धनिया 1 गच्ची नमक 1 खाने का चमचा पूरी के अज्जा मैदा 250 ग्राम नमक 1 चाय का चमचा तेल फ्राइंग के लिए आ जाएं जी वेलकम बैक और यहाँ पर दो दो एक शेफ है एक कुक है ये प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ है ये पूरे एक्सपीरियंस के साथ है यहाँ पे है ना कितने साल से कुकिंग कर रही हैं रोजीना 26-27 साल आपसे ज़्यादा जानती हैं आप तो ट्रेनिंग कर ली तो क्या है अच्छा जी यहाँ पर हमने ऑयल रख दिया है डीप फ्राई पूरियाँ करने के लिए मैं इसका चूल्हा जला देती हूँ मैदा और सिर्फ इसमें नमक सिर्फ गूंद दिया और एंड में ऑयल डाला था अच्छा ठीक है उसको ऊपर कर दिया था और सिंपल ऑयल लगा के रजीना है ना इसको बस करना है असल में बेलन है ना मैं पतला यूज़ करती हूँ इससे भी पतला बहुत पतला होता बिल्कुल पतला होता इससे मुझसे नहीं होता साथ ले आते हैं कौन सी ये अच्छा ठीक है अच्छा खुश्की नहीं लगाइए सिर्फ ऑयल सिर्फ ऑयल और यहाँ पर ये देख लीजिए भाई ऑलमोस्ट रेडी है बस अभी डिश आउट करूँगी सिंपल इसका पेस्ट बना था कश्मीरी मिर्च का Yes. अगर आपको कभी पेस्ट बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं कभी भी बनाना हो तो ये बॉईल करके फौरन बन जाता है मज़े का लग रहा है ज़रा ऐसी ट्राई करती हूँ चने के साथ अच्छा हाँ भाई ये देखिए कुकी केक भी हमने निकाल लिया है इसका कलर आ गया इसकी कोई पहचान है जैसे उसमें तो हम स्क्रूवर डालकर चेक करते हैं ये देखिए पहले जो ये हाथ में एक तो सबसे पहले हाथ में नहीं चिपकेगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा पहले इसका लाइट कलर था थोड़ा डार्क कलर आ जाएगा अब जो ये थोड़ा ठंडा होगा फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और कट करेंगे इसको जी कट कट के इसके लिए चलने के साथ ट्राई करूँगा फ्लेवर कैसा है बहुत मज़े का कुछ भी नहीं है सिंपल नमक और वो है इमली का पेस्ट बहुत सिंपल रेसिपी और बहुत जल्दी हमारे घर पे ऑलमोस्ट सुबह के लिए नाश्ते जैसे संडे होता है तो सब घर पे होता है तो ये इसी टाइप का ही बनता है या कभी भूख लग रही हो ये चटनी हमारे घर पे बनी हुई होती है कुछ भी तो फौरन ये बनता है तुम लोग तो सिर्फ चटनी के साथ ही पूरी के साथ एंजॉय करो जैसे पूरी के साथ हमें फ्राइडे को बनाते हैं ना तो येलो आलू आते हैं फ्राई वाले वो बनाते हैं अच्छा और डिफरेंट स्टाइल्स मम्मी की ये रेसिपी तो बहुत अच्छी डोकरे के साथ भी खाते हैं मोमोस बनाती हूँ उसके साथ भी ये नहीं बहुत अच्छी है और सिंपल कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं है बहुत हाँ बहुत अच्छी चटनी की रेसिपी है अच्छा फ्लेवर आया है ऊपर हरा धनिया से आप गार्निश कर लें निकाल लो निकाल देना फुल नहीं केक देख लेना अच्छा पूरियाँ ये हुआ नहीं हुआ अभी ना जब तक आप बना लें मुझे असल में ये बेलन फिर भी बना ही रही हैं तेरी मेरी बन रही है हाँ वो बेलन की वजह से बिल्कुल गोल जो बनती है ना वो नहीं सोचे अस्मा बनाती तो फिर क्या बनता फिर बनती नहीं अस्मा ने तो मुझे खास कहा था पूरियां ना मेरे से गोल नहीं बनती है तो उसके लिए मैं रोटी भी गोल नहीं बनती अच्छा रोटी भी गोल नहीं गोल बनती नहीं है तो इजी वे है ना वो कटर अब तो आ गए अब मैंने रात में यही करती हूँ मतलब कभी बनानी होती है ना तो मैं उसी से ही बनाती हूँ यही करती हूँ सही है कभी मम्मा बोलती है रोटी बना दो ये करते तो मैं इसी तरीके से ही करती हूँ सही है जी हाँ पूरियाँ ये तेल हो जाए थोड़ा सा एक डाल के देखें नहीं अभी हुआ नहीं है लग ही रहा है नहीं हुआ है ना नहीं हुआ मज़े आता है आपको कुकिंग में बहुत ज़्यादा मैं तो वैसे भी घर में भी जैसे बोटी रोल होते हैं ये होते बनाती रहती हूँ ना ऑर्डर भी आते हैं जैसे मुझे तो जैसे बर्थडे पार्टी के बड़े ऑर्डर्स आते हैं तो मिनी पिज़्ज़ा अच्छा। और बोटी रोल और एक एक दिन में 200 बनाते हैं बोटी रोल वगैरह अच्छा बिजी रखा हुआ है माँ बेटी जो है वो दोनों लगे मुझे शौक ही मम्मा से ही मेन जो मेरा शौक था ना वो शुरू से ही मम्मा से ही माँ को देखा खाने बनाते हुए तो घर के खाने ही आप लोगों को पसंद होंगे हाँ बाहर कम ही खाते होंगे अब शायद हुआ है अब उसका नज़र आ रहा है थोड़ा डाल के देखें थोड़ा सा
थोड़ा और गर्म हो जाए वरना फूलेगी नहीं। हाँ ये बात भी है। नहीं ये फौरन से ऊपर आ जाएगी ना। इसमें बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा नहीं है, फिर भी इतनी अच्छे तरीके हाँ। से कुछ लोग सूजी भी डाल देते हैं ना पूरियों में हाँ। वो पराठा बनाते हैं उसमें अच्छा उसमें आप डालते हैं ठीक है। मैं देखी बाजार वाली। अच्छा ये शक्ल देख लो भैया इसकी मेल्ट हो रही है चॉकलेट। मज़े की खुशबू आ रही है। अब वो कुकी कटे और पिज्ज़ा बंद निकले ट्राई करें पूरी बने हम ये खाएं सारी चीज़ें मुझे लगता है रिकैप ब्रेक के बाद ही मुझे खाने को मिलेंगी एक साथ। हाँ एक साथ ही सही रहा ना। मामा को वैसे पहले कहा था आने से पहले कि आप भी आ जाइएगा। मामा को कहा था पर मामा मेरी मामा बोलते नहीं कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है फोटो भी नहीं खिंचवाती फोटो भी मामा को मामा प्लीज मामा एक एक कॉन्शियस हो जाते हैं ना और फिर अपनी फोटो देख के मैं अच्छी नहीं आ रही हूँ मैं अच्छी नहीं आ रही हूँ। लेकिन अभी पता चल रहा है कि कैमरा ऑन है। नहीं मैं देख ही नहीं रही हूँ कि डर लगेगा। सही है चलो जी रिकैप के लिए हम चले जाते हैं और रिकैप से वापस आएंगे जब तक पूरियां भी तल लेंगे। एक हाथ हम सामने पूरी आपके दिखा देंगे कि कैसी बन रही हैं। ठीक है जी ब्रेक कीजिए। चने पूरी आलू अजसा उबले आलू 3-4 अदद उबले सफ़ेद चने 125 ग्राम तेल आधा कप कड़ी पत्ते 12 अदद लाल मिर्च 5-6 अदद लहसुन 8-10 चवे इमली आधा कप जीरा 1 खाने का चमचा हरा धनिया 1 गच्ची नमक 1 खाने का चमचा पूरी के अज्जा मैदा 250 ग्राम नमक 1 चाय का चमचा तेल फ्राई के लिए। तरकीब एक पैन में तेल गरम करके कड़ी पत्ते फ्राई कर लें। अब जीरा लाल मिर्च और लहसुन के चवे ग्राइंड करके कड़ी पत्तों में मिला के पकाएं। फिर इनमें नमक उबले आलू और उबले सफ़ेद चने डाल के मिक्स कर लें। उसके बाद इमली का पेस्ट शामिल करके पकाएं और हरा धनिया डाल दें। पूरी बनाने के लिए मैदे में तेल शामिल करके गूंद लें और थोड़ी देर छोड़ दें। अब इन्हें बेल कर गरम तेल में डीप फ्राई कर लें। आखिर में आलूओं और चनों के साथ सर्व करें। स्पाइसी पिज्ज़ा बर्गर मैरिनेट करने के अज्जा चिकन फिले आधा किलो दही 4-5 खाने के चमचे लीमू का रस 1 अदद चिकन टिक्का मसाला 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा तेल 1-2 चाय के चमचे। दीगर अज्जा बर्गर बन 3-4 अदद पिज्ज़ा सॉस हसपे ज़रूरत चैडर चीज़ हसपे ज़रूरत मोज़रेला चीज़ हसपे ज़रूरत कटी प्याज हसपे ज़रूरत कटे टमाटर हसपे ज़रूरत काले जैतून हसपे ज़रूरत ड्राइड ओरिगानो छिड़कने के लिए कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए टॉपिंग के अज्जा मोज़रेला चीज़ हसपे ज़रूरत चैडर चीज़ हसपे ज़रूरत काले जैतून हसपे ज़रूरत ड्राइड ओरिगानो छिड़कने के लिए कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए। तरकीब चिकन फिले को हैमर करके नमक लगा कर रख दें। अब एक बोल में दही लीमू का रस चिकन टिक्का मसाला अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके विस्क कर लें। फिर से चिकन पर लगाएं और चिकन फिले को 1 घंटा मैरिनेट कर लें। उसके बाद ग्रिल पैन पर तेल शामिल करके पैन गर्म करें और चिकन फिले को ग्रिल कर लें। अब बर्गर बन पर पिज्ज़ा सॉस लगाएं और चिकन फिले रखें। फिर इस पर चेडर चीज़ मोज़रेला चीज़ प्याज शिमला मिर्च काले जैतून ओरिगानो और लाल मिर्च डाल के बन का दूसरा हिस्सा रखें और 5 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में बेक करके सर्व कर दें। चॉकलेट चिप्स कुकीज़ केक अज्जा मक्खन 120 ग्राम ब्राउन शुगर 1/2 कप कास्टर्ड शुगर आधा कप अंडा 1 अदद वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा मैदा 1.5 कप नमक 1/4 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा चॉकलेट चिप्स आधा कप चॉकलेट गनाश 1/4 कप टॉपिंग के अज्जा चॉकलेट चिप्स हसपे ज़रूरत। तरकीब एक बोल में मक्खन फेंट लें। अब इसमें ब्राउन शुगर और कास्टर्ड शुगर शामिल करके फेंटें। फिर इसमें एक एक करके अंडे और वनीला एसेंस डालें। उसके बाद एक बोल में मैदा नमक और बेकिंग पाउडर मिक्स करें और खुश्क अज्जा मक्खन के बैटर में डाल के मिक्स कर लें। अब इसमें चॉकलेट चिप्स शामिल करें और बेकिंग पैन में आधा बैटर डाल के बेक करें। फिर इसमें गनाश और बाकी आधा बैटर डालें और चॉकलेट चिप्स शामिल करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 20-25 मिनट बेक करके सर्व करते हैं। चने पूरी आलू अज्जा उबले आलू 3-4 अदद उबले सफ़ेद चने 125 ग्राम
तेल आधा कप, कड़ी पत्ते 12 आदद, लाल मिर्च 5 से 6 आदद, लहसुन 8 से 10 चवे, इमली आधा कप, जीरा 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 गट्ठी, नमक 1 खाने का चमचा, पूरी के अज्जा, मैदा 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए। कहने को तो सिर्फ मैदा और नमक है पूरियों में, लेकिन क्या जायका और क्या फूली फूली आई हैं ये ज़रा देखें। रोज़ीना इतनी बना के बैठी है, एक दो हमने कहा सामने आपके हम बनाते हैं, अभी तक फूली नहीं है, वो बैठी भी नहीं है। आप कर लें रोज़ीना, तल लें, बहुत मज़े का लग रहा है ये पूरी और चना और आलू जो है लाल, बहुत मज़ेदार। इन्जॉय करवा दिया आप लोगों ने। थैंक यू। तो बाजार में भी मैदे की मिलती है, लेकिन वो इतनी फूली हुई और उस तरह नहीं होती है। और इसमें कुछ रखा भी, इसे हमने इतनी देर प्रूफ करने के लिए भी नहीं रखा था, सिर्फ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत मज़ेदार। मैं तो ये पूरी का एक खा ही लूँ, इन्जॉय कर लूँ। अच्छा कुकी ये देख लीजिए ज़रा, बड़े साइज़ का एक कुकी केक है और एक स्लाइस करके हमने रखा हुआ है। मज़ा आ गया भाई। अस्मा जी, थैंक यू सो मच। हमारा पिज़्ज़ा बर्गर भी ले आओ, उसको ले आओ और बैठ जाओ आके। आपकी भी पूरियाँ हो जाएं, आप भी प्लेटर ले आइए और बैठ जाइए। और बनानी नहीं आ जाए, बंद कर लें चूल्हा। अच्छा मैं ज़रा कुकी तो चखूँ जिसका मुझे इंतज़ार था। अच्छा सॉफ्ट है, हैंडल करने में थोड़ा मुश्किल है, ये देख लीजिए लेयर है और फ्लेवर ज़रा टेस्ट करती हूँ मैं। आ जाओ जी, बैठ जाओ। अमेजिंग, क्या ये बाहर की कुकीज़ होंगी जो हम इतना खरीदते हैं, और बहुत जल्दी बन जाती है। इससे वेरिएशन आप कुकीज़ वगैरह भी बना सकते हैं, केक्स बना सकते हैं। बहुत मज़े का, इसको वनीला आइसक्रीम के साथ खाएं। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। मतलब ये वो वाले रेसिपी है जो दावत में रखें तो सब आपके पूछें कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सी बेकरी से लिया है, ये वो वाली चीज़ है। थैंक यू सो मच अस्मा एंड रोज़ीना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई शो में, पूरियाँ भी बना ली आपने, जहाँ कहाँ डर रही थी, शर्मा रही थी, अब आके किचन में खड़ी होकर पूरियाँ भी बना ली। सब रेसिपीज़ वेरी गुड, मैंने अभी ये ट्राई नहीं किया क्योंकि आराम से खाएं तो ज़्यादा मज़े का लगेगा, बट आई एम श्योर ये भी बहुत मज़े का होगा। सिंपल येट वेरी प्रेजेंटिंग, सारी चीज़ें आप सबकी बहुत मज़ेदार मुझे लगी और उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। कुछ कहना चाहेंगी आप? मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आप बहुत अच्छी हैं। और बाकी मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये लाइव चल रहा है, और एक आने से पहले जिस तरीके से मुझे था ना कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, नहीं डर लगता है, पता नहीं कैसा होगा। और वहाँ पे मैं देख भी रही थी जैसे आई, तो मुझे ये था कि अच्छा कैसे करूँगी, अस्मा कैसे करूँगी। मेरी मम्मा पहले ही बोली थी कि डरना नहीं, अच्छे से करना, अच्छे से करना। वो खुद आके बैठी हुई, नहीं नहीं सिर्फ एक खौफ होता है, बाकी कुछ भी नहीं, डर के आगे जीत है। घर से रात से मुझे बोला हुआ है, डरना नहीं अस्मा, डरना नहीं, सब अच्छे से होगा। मैं हूँ ना लाइफ में पहली बार कैमरे के सामने, ऐसे तो करते रहते हैं लाइफ। और अच्छी बात ये कि रेसिपीज बहुत आप लोगों की अच्छी थी, आप लोगों के साथ एनिक्स का तोहफा जाएगा। थैंक यू सो मच, आपको हमारी याद दिलाएगा। इंशाल्लाह फिर लाइन अप करेंगे और फिर आप आए और मजे मजे की रेसिपी। नेक्स्ट टाइम मम्मा आएंगी। नहीं दोनों आ जाएं, दो आप बना लें, दो आप बना लेंगे, अपनी स्पेशल आपकी होंगी कुछ ना कुछ ऐसी, जैसे डोकरे। हाँ डोकरे, कुछ इस तरह की रेसिपीज हम जरा इनसे सीखेंगे। आप जब ये आ सकती हैं तो फिर आप भी आ सकते हैं, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, ईमेल कीजिए और हमारे शो पर हाजिर हो जाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम तो इन्जॉय कर रहे हैं, कुकी मस्ट ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी भी गैस Lively Weekends, Lively Weekends,
प्यार।